अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे BA BSc पार्ट वन की मैथमेटिकल मेथड है और SM यूसुफ है इसके राइटर। इसकी आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। क्वेश्चन हम इसका 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 है का वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इजिकल टू 0। क्वेश्चन 8 करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आज क्वेश्चन 8 करेंगे इसका। हम अब हमने इसका क्वेश्चन हमने कॉपी में रजिस्टर में उतार लिया। और हमने क्या किया है, सवाल उतारने के बाद सॉल्व के हेडिंग के बाद हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने मेक एक स्टेप आपको सही से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। एक एक स्टेप आप गौर से देखिएगा। ये इधर माइनस है, ये वैल्यू उधर जाके फंक्शन ये उधर चलाएगा तो माइनस का हो जाएगा। प्लस का ये उधर जाके इक्वल टू के इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हम सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल करेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग करने से पहले हमें वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए। एक्स वाले एक तरफ हों, वाई वाले एक तरफ हों। देखें इधर क्या है, हम सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल में इधर हमारे पास सिर्फ एक्स है एक्स्ट्रा, उधर हमारे पास वाई है एक्स्ट्रा। तो वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये ऐसी का ऐसी ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। इंटीग्रेटिंग हम ऑन बोथ साइड करेंगे जो कि हमारे ये आ गया। इंटीग्रेटिंग हमने बोथ साइड तो कर लिया, मगर हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि हम इस पर लगा के इसको सॉल्व कर सकें। ये फार्मूला अगर इंटीग्रेटिंग का, अगर हमारे पास फार्मूला होता तो हम दोनों तरफ लगाते और आसानी से सॉल्व कर लेते। हमारे पास मगर ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है जो कि हम इधर फार्मूला लगाएं और आंसर आ जाए हमारा। और आप एक चीज़ नोट करोगे कि दोनों फंक्शन एक जैसे ही हैं, वेरिएबल जो भी हैं हमारे पास एक जैसे ही हैं। एक्स और वाई का चेंज है मगर फंक्शन एक जैसे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक सॉल्व करेंगे दूसरा भी उसी जैसा ही होगा, मगर मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। क्योंकि बस टीचर ही होते हैं एक सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा कहते हैं आप खुद कर लो, बच्चे कर लेते हैं फिर उनका तब एंड में जब इक्वेशन में पुट करते होते हैं तो वहाँ आंसर गलत हो रहा होता है, वो आंसर नहीं आ रहा होता बुक वाला। देखें अब इसको मैंने एक को I1 दे दिया नाम और एक को I1 दे दूँगा। ये इक्वेशन वन है कि और इसको हमने याली को हमने आई लेट किया है, इसको I1 लेट करेंगे, दूसरे को हमने I1 लेट कर लिया। एक आई ए सी आ गया इजिकल टू इक्वेशन वन के मैंने लिखा है, इक्वेशन वन को हमने आई और इजिकल टू ये I1 आ गया, और इधर एक माइनस था जो कि आप देख सकते हैं इधर माइनस था जो कि मैंने इक्वेशन वन ये जो माइनस चल रहा है, तो ये आई हो गया, ये माइनस और ये I1 हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये I1 मैंने माइनस का लिख लिया। ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 याद रखें क्योंकि अब तब हम I और I1 निकालेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हो गई है। और एक ये मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। और सबसे पहले इक्वेशन के नाम देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेंगी क्योंकि इनके नाम रखा है, तो इनके अंदर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता हो जाएगा। इक्वेशन वन ये है, पहली इक्वेशन है कि अब इक्वेशन वन की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दिया क्योंकि हमने इसको आई दे दिया, उसको I1 दे दिया, तब इक्वेशन 4 ही हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 एक जैसी हो गई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई के लिए आसानी नाम अपने लिए आसानी के लिए हमने इसको आई कर दिया, इसको I1 कर दिया। अब हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, जब हमारी वैल्यू आ जाएंगी इन फंक्शन की भी आंसर आ रहे होंगे तो हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब इक्वेशन है, तब मैं बात करूँ इक्वेशन 2 की, तो हम पहले ये सॉल्व करेंगे, पहले ये पूरा आई की वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की, तो फिर हम इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे। क्योंकि इक्वेशन 3 ये है, क्योंकि इक्वेशन में नाम दे रहा हूँ, फिर आप जब मैं बात करूँ तो आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ हमने किस इक्वेशन का नाम रखा था। तो आप सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी एक्स के अंदर ये हमारे फंक्शन हैंगे। अब देखें इसका भी हमारे पास आपको मैंने कह दिया था कोई इस तरीके का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि इंटीग्रेशन का, कि हम डायरेक्ट इंटीग्रल लगा के इनका सॉल्व कर लें, इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसकी सिंप्लीफाई थोड़ी ज़्यादा है, बाय पार्ट भी लगेंगे
थोड़ी लेनी हो जाती है। तो अब हम इसको हम सॉल्व कर, आपने मैट्रिक वो सेकंड ईयर में आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ए का स्क्वायर मतलब कोफिशेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल, तो हम किसके बराबर लेते हैं एक्स को, ए टेन थीटा के बराबर लेते हैं। ये फार्मूला आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो मैंने फार्मूले पे एक वीडियो बना दी जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और मैट्रिक के जितने भी फार्मूले उसके अंदर हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे फार्मूले में वहाँ आप देख सकते हैं कि आपको आसानी से मिल जाएंगे वो फार्मूले, उसके अंदर ये फार्मूला भी है। तो आप अब देखें किस एक्स को हम किसके बराबर लेते हैं, ए टेन थीटा, ए क्या है इधर वन है, कोफिशेंट हमारा क्या है वन है, और टेन हमारा क्या है एक्स है, एक्स हमारा टेन है, मतलब कि यह अब एक्स हमारा टेन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन तब हम ए के अंदर पुट करेंगे तो वन टेन से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई टेन थीटा आ गई, क्योंकि ए की जगह हम वन पुट करेंगे तो हमारी एक्स किसके बराबर आ गया टेन थीटा के बराबर आ गया। अब हमारा एक्स टेन थीटा के बराबर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे एक्स को इक्वेशन फाइव, ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, बाद में आगे इस्तेमाल होगी इसलिए आप इसको नोट कर लें और याद रखें कि इक्वेशन का हम कहाँ कहाँ नाम दे रहे हैं, फिर आगे यूज़ करेंगे तो आपको पता हो। अब हम इस पर डेरिवेटिव करेंगे, डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा, और इस पर डी डिवाइड बाई डी थीटा, और टेन आपको पता है टेन का डेरिवेटिव हमारे पास सेक स्क्वायर होता है। यह फार्मूला ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो है कि आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके आप फार्मूला देख सकते हैं, आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे जिसमें अभी जितने यहाँ यूज़ हों और जितने भी फार्मूले आगे यूज़ होंगे वो सारे मिल जाएंगे उसके अंदर, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे फार्मूले। अब देखें इस टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा आके टेन की जगह अब ये डी थीटा उधर चला जाएगा, तो हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स आ गया, डी एक्स की वैल्यू हासिल हो गई जो कि हम इधर पुट करेंगे हमारे लिए आसानी रहेगी। देखें इक्वेशन ये जो है अब इसके अंदर हम पुट करेंगे, आई की जगह आई आ गया इज इक्वल टू वन की जगह वन आ गया, एक्स क्या है टेन है, एक्स हमारा क्या था टेन था, जो एक्स की जगह हम टेन लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, तो एक्स हमारा टेन था तो एक्स की जगह टेन आ गया और स्क्वायर रहेगा एक्स पर, तो टेन पे स्क्वायर आ गया सही, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स पे स्क्वायर था तो एक्स पे टेन पे स्क्वायर आ गया। अब आ जाते हैं नीचे हमारा एक्स है, नीचे एक्स है तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा, नीचे टेन आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास है डी एक्स, डी एक्स हमारे पास किसके बराबर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये देखिए इधर क्या था डी एक्स था, डी एक्स किसके बराबर आया हमने अभी डायरेक्ट लिया, तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर आ गया। तो अब हम इसको और अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे को पता है, हमने मैट्रिक में पढ़ा है किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आप पढ़ के आ चुके हैं, तो ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा से तब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सेक बचेगा सेक, तब ये इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, ये एक है उसकी ये एक है ये दो हैं ये तीन हो जाएगी, इनकी पावर थ्री हो जाएगी और ये टेन थीटा ए सी आएगा। अब सेक स्क्वायर को हमने ए सी रखा, ये डिवाइड में डिवाइड की साइन लगाई और टेन को ऊपर लिख लिया, क्योंकि डिवाइड में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमारे को कुछ फार्मूले पता हैं, टेन हमें पता है टेन इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के बराबर होता है टेन, और सेक हमारे को पता है वन अपॉन कॉस के बराबर होता है, तो सेक की जगह हम वन अपॉन कॉस लिखेंगे, इस पर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, और टेन की जगह हम साइन डिवाइड बाय कॉस लिखेंगे तो हम ये साइन डिवाइड बाय कॉस लिख लेंगे। देखिए इधर एक कॉस है और ये तीन है, इधर एक कैंसिल हो जाएगा, इधर दो बचेंगे, इधर इधर एक हो जाएगा सिंगल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा वन डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन साइन बचा है। ये ऊपर फॉर्म लेंगे मैंने ऊपर लिखे हुए या यहाँ यूज़ होंगे तो इसलिए मैंने लिखे हुए ये जितने भी हैं तीनों फॉर्म लेंगे। ये है स्टेप, यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, वन अपॉन कॉस किसके बराबर है, हमको पता है वन अपॉन कॉस अभी हमने पता किया है कि सेक के बराबर है। ये देखें सेक के बराबर है, तो यहाँ फिर हमने दोबारा सेक लिख लिया, सेक स्क्वायर लिख लिया। और साइन किसके बराबर है, साइन बराबर है हमारे पास कॉस एक के बराबर है, साइन हमारा कॉस एक के बराबर है, तो हमने इधर कॉस एक लिख लिया है। अब देखें अभी भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इस पर लगा के फ़ौरन हासिल कर फ़ौरन आ जाए, सर इंटीग्रल फ़ौरन लगाएं और फ़ौरन हासिल हो जाए हमारे पास आंसर, ऐसा भी कंडीशन नहीं आई। अभी भी दो फंक्शन हमारे पास हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम बाय पार्ट लगाते हैं। अब हमने इसको पहले सेक को कोसेक को पहले लिख लिया, सेक को बाद में लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कोसेक की हमें इसका इंटीग्रल हमें पता है कि टेन होता है, क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी, तो इसलिए हमने सेक को पहले लिख लिया, कोसेक को बाद में लिखा। अभी हमने ये इस पे हम क्या इक्वेशन सिक्स नाम दे दिए हैं इसको, मैंने इक्वेशन सिक्स दिया और उस पे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे इक्वेशन सिक्स पे। तो बाय पार्ट का फार्मूला आपको पता होगा, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस यू डी यू, ये फार्मूला है बाय पार्ट्स का। अब यू इधर हमारे पास क्या है, कोसेक है, यू हमारे पास कोसेक है, और डी वी हमने क्या लिया है, सेक स्क्वायर लिया है, सेक स्क्वायर लिया है। तब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू डिवाइड बाई डी थीटा, डी कॉस थीटा डिवाइड बाई डी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो क्या आएगा माइनस कॉस सेक थीटा टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा माइनस, इसका तो हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस कॉस है थीटा कॉट थीटा आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और इसका इंटीग्रल लेंगे तो हम मैंने ऊपर इसका भी लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, इसका इंटीग्रल टेन थीटा और इसका कॉस कॉस माइनस कॉस है कोट आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जाएगा, इसका इंटीग्रल ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डी थीटा ये दम डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास डी यू और वी की वैल्यू हासिल हो गई, जो कि हम फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं बाय पार्ट्स के, डी वी इज इक्वल टू, अब हम यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू की वैल्यू हमारे पास कॉसेक है सही, और अब हमारे पास वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू हमने टेन हासिल की, ये रही माइनस फार्मूले का इंटीग्रल आ गया, और अब इंटीग्रल वी हमारे पास टेन है तो टेन आ गया, और इसके अलावा अब हमारे पास डी यू हमारे पास क्या आया, माइनस कोसेक कॉट टेन कॉट थीटा डी थीटा, तो हमने ये लिख लिया। ये फार्मूले ये जो हमारे पास वैल्यू हासिल हुई है ये रही ये सिर्फ हमने फार्मूले में पुट किए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब हमारे पास ये आ गया कॉसेक कॉस थीटा डी टेन थीटा ऐसे लिख लिया माइनस, अब देखें ये है कोट, कोट आपको पता है कोट का रेसिप्रोकल क्या है टेन है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे टेन लिख लेंगे, और टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या बचा, कोसेक टेन थीटा वो ये देखें ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये टेन टेन कैंसिल हो गया, हमारे पास इंटीग्रल में क्या आ गया कोसेक थीटा आ गया और डी थीटा। अब हमारे को फार्मूला इसे कोसेक थीटा का इंटीग्रल हमारे को फार्मूला आएगा, ये एक और फिर फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये तीन डॉट वी नॉट डैट होता है सही, ये आपको पता होगा, अगर पता नहीं है ये भी सेकंड ईयर में हमने पढ़ा है। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रल क्या होता है कोसेक थीटा का हमारे पास होता है एल एन, और ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमारा इसका इंटीग्रल होता है, इसका इंटीग्रल हमारा ये है। और जब भी एल एन आ जाए तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लगाते हैं अगर कोई सी भी
एल एन की वैल्यू अगर माइनस में आ रही हो तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसको पॉजिटिव कर ले, क्योंकि एल एन का आप कैलकुलेटर में चेक कर लें तो एल एन आपको कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं देगा, ये लगाना लाजमी है। अब देखें कोसेक टेन थीटा ए सी आ गया, सही। इस पर हमने इंटीग्रल लगाया, इंटीग्रल लगा दिया, हमारे क्या है एल एन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया, ये हमारे इसका इंटीग्रल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमने जो लिया है टेन के अंदर वैल्यू ली थी एक्स, टेन एक्स के बराबर है और टेन का क्या हो जाएगा कोट, टेन हमारे पास एक्स के बराबर है तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, कोट हमारे पास वन अपॉन एक्स होगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं हमने जब पीछे लिया था टेन हमारे पास, ये इक्वेशन फाइव टेन हमारे पास आया था जो हमने सिंप्लीफाई की थी, यहाँ पे टेन एक्स के बराबर आ रहा था तो कोट किसके बराबर हो जाएगा वन अपॉन एक्स के, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल है कोट। तो अब हम इसको किस में, ये हमारे पास कोट हैगा, ये कोसेक जो है ना यहाँ और यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ इस जगह कोसेक, इस जगह कोसेक की जगह हम क्या लिखेंगे कोट को लेके आएंगे। और हम अब ये कोट कैसे आएगा हमारे पास, देखें कोसेक ये एक फार्मूला आएगा आपने नाइन में पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोट स्क्वायर थीटा आएगा, ये आपने नाइन में पढ़ा होगा। अब हम इस पर स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होएगा, इस पर स्क्वायर आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोट थीटा का रूट में आ जाएगी ये वैल्यू। तो अब हम इस जगह टेन से पहले हुए यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं ये वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये स्टेप दोबारा लिख लिया, टेन को पहले लिख लिया, कोसेक को बाद में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये स्टेप हमने दोबारा लिख लिया नेक्स्ट पेज पे था, और ये हमने बस टेन को पहले लिख लिया कोसेक को बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं होता मल्टीप्लाई होने, टू मल्टीप्लाई फाइव, फाइव मल्टीप्लाई टू, आंसर टेन ही आना है। तो अब हमने क्या करा, इसकी जगह हमने क्या निकाली थी पीछे स्टेप में रूट में वन प्लस कोट का स्क्वायर थीटा निकाला था, और इससे भी हम यही पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा की वैल्यू है वहाँ पे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे, सिर्फ इस ये स्टेप में ये हमने किया है, सही। अब इसको इक्वेशन सेवन दे देंगे, इक्वेशन सेवन नाम दे दिया। अब हम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हमने टेन हमारा क्या आया था एक्स आया था, तो कोट क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स आ जाएगा हमारा यही। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कोट थीटा इन इक्वेशन सेवन, सेवन के अंदर जहाँ जहाँ टेन है और कोट है तो वहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास ये आ गई टेन की आ गई थी, टेन से हमने कोट की निकाली। तो अब हम यहाँ टेन है तो यहाँ एक्स आ गया, अब जहाँ जहाँ इसके अंदर इक्वेशन सेवन के हिसाब से हम पुट करें, यहाँ कोट है तो कोट हमारा क्या आ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ कोट पे स्क्वायर है तो एक्स पे स्क्वायर आ जाएगा, वैसे ही प्लस एल एन ए सी आ गया, वन ए सी आ गया, यहाँ कोट क्या आ गया कोट का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ देखें यहाँ सिर्फ कोट है तो एसी का एसी कोट आ गया, क्योंकि यहाँ कोट पे स्क्वायर नहीं है, और ये प्लस वन सी एसी चल रहा है, सही। अब हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ इसको देखें इधर इसको ये एक्स वहाँ चला जाएगा क्योंकि ये एलसीएम होगा, तो ये ऐसा आ गया, एक सिर्फ ये मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, सिर्फ इस स्टेप में ये हुआ है हमारे पास, कुछ नहीं किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखें स्क्वायर से ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होएगा, नीचे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये एक्स रूट से निकल जाएगा, ये और ये वाला एक्स निकल जाएगा। अब हमारे पास ये वाला एक्स इस एक्स से डिवाइड हो रहा है तो इसको काट देंगे हम, तो अब हमारे पास क्या बचे आई की वैल्यू, जो हमारे पास आई है रूट में, अब वन को हमने पहले लिख लिया प्लस ये रहा वन, पहले इसमें से किसी को भी लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, वन पहले लिख लिया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एल एन, और ये हमारा वन इसमें भी हमने पहले लिख लिया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
और यहाँ एलसीएम है तब ये एलसीएम लेंगे तो ये एक्स सिंगल में आ जाएगा, ये एक्स आ गया हमारा, ये प्लस का सी आ गया। अब हमारे पास क्या आई है, आई की वैल्यू आई है, और आई की वैल्यू आई है, अब हम आई वन की वैल्यू निकालेंगे। ये एक फंक्शन की हमारी आ गई है, दूसरे फंक्शन में मैं थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि पहले फंक्शन मैंने थोड़ा स्लो समझाया क्योंकि आपको स्टेप समझ में आया। दूसरे फंक्शन में भी बिल्कुल यही होगा, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई आ रहे होंगे, बस ये फंक्शन ये फ़र्क आएगा और एंड में थोड़ा बहुत फ़र्क है, मगर मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी समझाऊँ। अब देखें आई वन हमारे पास ये है और हमने ये इक्वेशन थ्री, अब इक्वेशन थ्री ये हमारी आई आ गई है, ये हमारी आई आ गई। अब इक्वेशन फोर में पुट करेंगे आई वन निकालने के बाद, ये हमारी आई वन है, ये हमारे हमने पीछे तो लेट की थी, ये वो इक्वेशन है। अब हमारे को पहले ही पता था कि वन कोफिशन और वेरिएबल पे स्क्वायर आ जाए तो हम किस क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड ईयर का फार्मूला है y इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए क्या है वन है, जब कोफिशेंट क्या है वन है, वन तब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y हमारे पास, अब इधर जहाँ वहाँ पहले x आ रहा था यहाँ y टेन थीटा के बराबर आ रहा है, इक्वेशन एट नाम दे दिया। अब इक्वेशन एट है ये, वहाँ इक्वेशन फाइव बन रही थी यहाँ इक्वेशन एट बन रही है। अब इसके हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो डी वाई डिवाइड बाई डी थीटा, और इसका डेरिवेटिव टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है, ये डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे जैसे पहले पुट कर रही थी, डी वाई की वैल्यू हमारे पास ये थी और वाई की ये थी, और इसी के अंदर वाई और वाई की जगह हम टेन पुट करेंगे और डी वाई की जगह हमने ये निकाल ली सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जैसे जैसे देख सकते हैं आप, वाई की जगह हमने टेन लिखा और वाई पे स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर आ गया, टेन लिख लिया और ये डी वाई की जगह हमने ये पुट कर लिया। अब इसको यही हमको पता था, अभी पीछे हम ये करके आ चुके हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है सेक स्क्वायर के बराबर होता है, सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ एक्स है यहाँ सेक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, ये डिवाइड में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड का साइन लगा दिया टेन ऊपर चला गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आप हमारे पास पता है सेक किसके बराबर है, कॉस कॉस के वन अपॉन कॉस के बराबर होता है, इस पे क्यूब है तो इस पे क्यूब आ गया, टेन बराबर है साइन डिवाइडिंग बाय कॉस, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ दो बचे वन अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर आ गया थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर होता है, इसका साइन का कॉस एक होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमने पीछे किया था, बाय पार्ट्स करेंगे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसमें सेक पहले लिख लिया, कोसेक को बाद में लिख लिया क्योंकि हमें पता है कि कोसेक का इंटीग्रल टेन होता है, वो हमारे पास आसानी से हासिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इन इक्वेशन नाइन कर दिया, बाय पार्ट्स का फार्मूला भी आपने पढ़ा है, इसमें हमने वन वन लगा दिया क्योंकि अभी हमने लगा दिया, दूसरी दोबारा हम अगेन बाय पार्ट्स लगाना है, इसका सवाल के अंदर दो दफ़ा लग गया। अब हमने इनके आई यू पर भी वन लगा दिया और यू हमारा क्या है, कोसेक लिया है हमने, और डी भी हमने क्या लिया है, सेक स्क्वायर थीटा लिया है सही, और तब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी यू डिवाइड बाई डी थीटा माइनस कॉस कोसेक थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा टेन कॉट थीटा आ जाएगा, हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। ये पीछे अभी हम करके आ चुके हैं, इसका फार्मूला भी मैंने आपको दिखा दिया था, अब मेरे फार्मूले वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं, उधर मेरे सारे फार्मूले लिखे होंगे। और ये डी वाई कि हम तब इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल लेंगे तो सेक स्क्वायर का हमारे पास क्या आएगा, टेन आ जाएगा, वी की वैल्यू हासिल हो गई, ये डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई होगा, डी यू आ गया वी आ गया, हमें वी चाहिए था, वी हमारा ये रहा, डी यू ये रहा और यू हमारा ये रहा, तो हमारे पास सारी वैल्यू हैं तो हम बाय पार्ट्स में पुट करेंगे। तो हमने वैल्यू अपनी इधर पुट करी फॉर्मूले के अंदर, यू हमारा ये रहा वी हमारा ये रहा टेन आ गया, माइनस फार्मूले का वी हमारा इंटीग्रल बाय फार्मूले का टेन हमारा वी हमारा टेन
और डी यू हमारा ये रहा माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा। अब हमने इसमें भी वही किया, कॉट टेन के बराबर होता है तो कॉट को 1/10 करा तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये माइनस का कोसेक बचा इधर, और ये कोसेक थीटा 10 थीटा ऐसे आ गया, कोसेक थीटा 10 थीटा ऐसे आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कोसेक थीटा डी थीटा। इस पे हम इंटीग्रल लगाएंगे जो हम पीछे लगा चुके हैं, और ये आपका फार्मूला पता होगा, हम पे सिर्फ इंटीग्रल लगाएं। ये रहा इसका कोसेक का इंटीग्रल, हमारा एल एन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू में हैगा और कोफिशिएंट सी। अब इस पे हमने कोसेक थीटा 10 थीटा ऐसे आ गया, यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, हमने इसकी जगह इस जगह हमने ये फार्मूला लिख लिया, ये फार्मूला आ गया हमारा, ये हमने इसका इंटीग्रल ये लिख लिया। अब हमारे पास क्या बनी, देखें इधर भी वही बना, कोसेक हमें नहीं चाहिए, हमें टेन और कॉट में चाहिए, क्योंकि हमें टेन से टेन हम वाई निकाल चुके हैं, तो टेन से हम कॉट की वैल्यू निकाल देंगे, 1/y हो जाएगा। तो हम इसको कोसेक की जगह हम कॉट लाएंगे कि हम वैल्यू पुट कर सकें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमारा वाई और एक्स में था, एक्स का तो हम सॉल्व करके, अब इसके ये फंक्शन हमारा वाई में, तो हम इसको वाई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व करते आएंगे हम आंसर के करीब पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब तक कि हम खुद आंसर के करीब ना जाएँ, नहीं तो हम ट्रिग्नोमेट्री में रहेंगे, हमें क्योंकि वेरिएबल में जाना है। अब वेरिएबल में जाने के लिए अब हमने 11 फार्मूला लगाया, कोसेक स्क्वायर थीटा 1/ कॉट थीटा के बराबर होता है, इस पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसमें 1+ कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, 10 की को पहले लिख लिया, तो इस पर ये जो है कोसेक थीटा पे हमने ये फार्मूला लगा दिया, ये आ गया प्लस एल एन ऐसे आ गया, और ये कोसेक की जगह हमने रूट में 1+ कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया, और माइनस का कॉट ऐसे लिख लिया। अब इक्वेशन 10 नाम दे दिया, इक्वेशन 10 दे दिया। अब हमें पता है वाई हमारे पास पता है, वाई 10 के बराबर है और 1/y कॉट के बराबर होगा, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अब पुट द वैल्यू ऑफ 10 और कॉट की इन इक्वेशन 10 के अंदर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ कॉट और 10 है वहाँ उनकी वैल्यू पुट होंगी, 10 हमारे पास वाई है और कॉट हमारे पास वाई 1/y है, तो अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, ये वाई आ गया 10 की जगह, वाई आ गया, कॉट का स्क्वायर है तो वाई पे स्क्वायर आ गया, और ये एल एन ऐसे आ गया वो कॉट पे स्क्वायर तो वाई पे स्क्वायर आ गया, तो यहाँ सिर्फ सिंगल कॉट है, माइनस कॉट है तो -1/y आ गया है। अब हम सिर्फ एलसीएम ले, वो सिंप्लीफाई होगी, सिर्फ ये वो एलसीएम लेंगे, ये वाई इसको ऊपर चला गया, ये डिवाइड में आया रह गया, यही यहाँ हुआ तो ये ऐसे रह गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो ये वाई नीचे वाले वाई निकल गए, नीचे वाले वाई निकल गए, और ये वाई सेम है, ये तो एक ही दफ़ा आ जाएगा, और ये वाला वाई इससे कैंसिल हो गया, डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये I1 की वैल्यू निकल गई। देखें I1 आप नोट करें और I नोट करें, I1 देखें और I देखें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेम ही है फंक्शन, सिर्फ एक्स और वाई में फ़र्क आया है, आप एक आंसर निकाल लेंगे तो दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, और वो मिस्टेक करने की फिर आपके चांसेस कम होंगे। अब देखें हमने क्या किया है, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड I1 इन इक्वेशन 4, जो मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हो गई, क्योंकि हमने सारी जो I और I1 की वैल्यू जो पुट करनी थी वो इक्वेशन 4 में करनी थी। इक्वेशन 4 आप देख सकते हैं, जो कि ये थी इक्वेशन 4, I और इज इक्वल टू -I के बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, I की हमारी ये थी वैल्यू और इसकी C1 है, वो देखें एकदम माइनस है, I मैंने आपको बताया था माइनस है, तो ये माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट बनाया हमने, कर्ली ब्रैकेट बनाया, और ये जो I1 की वैल्यू वो हमने इधर पुट कर ली, I1 की वैल्यू हमने इधर पुट करी, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये रूट में 1+ x² ऐसे आ गया, ये देखें इधर माइनस का है,
ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एसी आ गया सही, ये हमारा एसी है ठीक है, और ये आ गया हमारा एसी। अब देखें ये भी माइनस का, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, ये होगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब इसके पास आएगा, इससे भी होगा ना क्योंकि ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट यहाँ तक है, माइनस की साइन इन सबसे मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस तब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का हो जाएगा तब ये इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा। देखें इज इक्वल टू के ये अभी इस साइड आएगा, इस साइड है तब ये इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी ये है पॉजिटिव मगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, मगर इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। अब ये पॉजिटिव हो गया, अब इज इक्वल टू के इधर क्या बचा, सी टू बचा जो कि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया। सी वन ये यहाँ से माइनस पॉजिटिव है इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस का वन हो जाएगा, माइनस का सी वन हो जाएगा। देखें ये बस इधर कॉफिशेंट बचे हैं, इधर सिर्फ कॉफिशेंट है और सारी वैल्यू हमने जो थी फंक्शन वो हमने वाई वाले हम उस साइड ले गए जो कि माइनस के थे मगर पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट से कुछ भी वैल्यू माइनस करें प्लस करें कॉफिशेंट ही आनी है तो हमने इधर सी लिख दिया। ये तो हम जितने भी इसके सवाल करेंगे वो इसी तरीके से रहेंगे, इधर हमें एंड में सी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉफिशेंट है हमें कोई वैल्यू नहीं पता, ये हम सेकेंड ईयर में कर चुके थे, हम सी की पहले वैल्यू भी निकालते थे, आपको याद हो गया हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली थी सेकेंड ईयर में। सी एक कॉफिशेंट है का। अब देखें ये तो हमारे दो आ गए, अब हम एलन की प्रॉपर्टीज है कि एलन जब हो, एलन के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दो एलन हो तो उसको हम एलन के साथ दो एलन आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम एक दफ़ा लिख के उसको इस तरीके से, ये है एलन। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से वो कट चुकी है, तो अब मैं आपको यहाँ से बाकी कंटिन्यू कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस इन दोनों वीडियो को तब यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो एक ही कर दूँ, ये तो थोड़ा सा ही है, हमने तो सारा सॉल्व ही कर लिया था, बस ये आपको आंसर बुक से मैच कराना था। ये तब एल एन एक्स प्लस एल एन वाई तब होगा तो हम एक दफ़ा लिखेंगे और उनकी जो एल वेरिएबल है उनको एक आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये एल एन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम ये आपने मैट्रिक में की होगा, मैट्रिक में तीसरे चैप्टर में ये हमने पढ़ी थी, तो अब हम इसको हम ऐसे लिख लेंगे ये और ये, तो ऐसे आएगा एल एन एक दफ़ा लिखेंगे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये लिख लेंगे और एक्स और वाई क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में वन प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एल एन, और ये हमारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एल एन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, अब हम बुक में चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत। ये आप देख सकते हैं रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में वन प्लस वाई का स्क्वायर रूट में वन प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एल एन क्या है रूट में वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट में वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन है माइनस वन है, फिर ब्रैकेट रूट में वन प्लस वाई का स्क्वायर रूट में वन प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वन है माइनस वन है। देखें ये क्या है डिवाइड का स्लैश डाला हुआ, ये डिवाइड का क्या आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू में एक्स प्लस वाई, हमने आप स्लैश डाल के इधर लिख लें एक्स प्लस वाई या नीचे लिख लें, बेहतर है कि नीचे लिख लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ हमारा एक्स आई नीचे आएगा, तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर बुक वाला आंसर आया है जो कि बहुत मुश्किल होता है कि मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पे मेरे को मिल गया हो कि इसका बुक वाला आंसर कहीं सॉल्व हुआ हो। आज के लिए इतना ही गाइस, बड़ी मेहनत की ये वीडियो बनाने के लिए, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।